5000 फीट की ऊंचाई पर जमीन पर बैठा हुआ 25 साल का एक नौजवान अपने सामने रखी बोतल को घूर रहा था। बोतल में कुछ आखिरी घूंट बचे थे पानी के। आगे रास्ता चूंकि लंबा था, इसलिए पानी पीने का ख्याल छोड़कर उसने एक बार फिर अपने होंठों को जीभ से ही गीला कर लिया। कुछ 12 घंटे बाद वो अपनी मंजिल के पास पहुंचा। पानी अब भी बचा था, लेकिन अब प्यास दूसरी थी। एनडीए की परीक्षा में इंटरव्यू के दौरान एक बार उससे पूछा गया था कि फौज में क्यों आना चाहते हो, तब उसने जवाब दिया था परमवीर चक्र के लिए, और तब सब हंस पड़े थे। आज मुस्कुराने की बारी उसकी थी, हमारे नौजवान की। 80 डिग्री की चढ़ाई चढ़ते हुए बड़ी बड़ी पलकों और भूरी आंखों वाले उस लड़के ने एक के बाद एक गोले दागे और दुश्मन के 4 बंकर तबाह कर डाले। जब गोले खत्म हो गए, उसने अपनी कमर से वो हथियार निकाला जो उसके रेजिमेंट की पहचान था। कुछ साल पहले तक एक बकरी का खून देख उसे 12 बार हाथ धोने पड़े थे, और आज वो खुकरी यूं चला रहा था मानो सामने कागज के टुकड़े रखे हों सब्जियां हों। ये कारगिल की जमीन थी, और जो शख्स इस समय दुश्मन से लोहा ले रहा था उसका नाम था लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, या कहें परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख। आज 26 जुलाई की तारीख है, जिसे हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इस मौके पर आज आपको सुनाएंगे कहानी कारगिल में गोरखा रेजिमेंट के शौर्य की। साल 1999 मई महीने की बात है। कर्नल ललित राय 1.5 साल सियाचिन में तैनात रहने के बाद लौट रहे थे कि उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल JBS यादव का कॉल आया। जनरल यादव कर्नल राय से एक मदद चाहते थे। दरअसल 1/11 गोरखा राइफल्स के CO ने समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया था, इसलिए जनरल यादव चाहते थे कि कर्नल राय बटालियन की कमान संभालें। कर्नल राय इससे पहले 17 राष्ट्रीय राइफल्स की कमान संभाल चुके थे। बिना किसी हिचक के वो इस नई जिम्मेदारी के लिए तैयार भी हो गए। इसके कुछ रोज बाद कर्नल राय और उनके साथी पुणे से जम्मू तवी जाने वाली झेलम एक्सप्रेस में बैठे हुए थे। इस ट्रेन में उनके साथ सफर कर रहे कर्नल अजय तोमर बताते हैं, ट्रेन में 2 बोगियां जवानों के लिए रिजर्व थी और वो भी कम पड़ रही थी क्योंकि साथ में हथियार और बाकी सामान भी था। हमारे बहुत से साथी खड़े होकर यात्रा कर रहे थे, लेकिन जब ट्रेन के अन्य यात्रियों ने देखा उन्होंने हमारे लिए सीट छोड़ी। कर्नल राय या किसी को भी अभी तक स्थिति का ठीक ठीक पता नहीं था। सिर्फ इतना बताया गया था कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ हुई है। कर्नल राय के अनुसार जैसे ही उन्हें हेलीकॉप्टर से बैटलफील्ड में उतारा गया, उनका स्वागत ऊंची चोटियों से हो रही शेलिंग से हुआ। उसी समय उन्हें अंदाजा हो गया था कि यह कोई मामूली घुसपैठ नहीं है। सच्चाई ये थी कि पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान कबीलाइयों के भेष में ऊंची चोटियों पर कब्जा करके बैठ गए थे, और उन्हें वहां से पीछे हटाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। कारगिल में ऑपरेशन के दौरान आर्मी को एहसास हुआ कि उसकी राइफल्स इस लड़ाई के लिए ठीक नहीं है। ये 7.62mm की सेल्फ लोडिंग राइफल, जिसे SLR हम कहते हैं, वो थी जिनका वजन ज्यादा था और उनका फायरिंग रेट मुफीद नहीं था। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि राइफल ऊंची चोटियों और कम तापमान पर जाम हो जाती थी। ऐसे में कारगिल युद्ध के बीच सैनिकों को नई इंसास इंटरनेशनल स्मॉल आर्म सिस्टम ये राइफलें दी गई। वजन में हल्की थी, इनसे सेमी ऑटोमेटिक फायर हो सकता था, बर्स्ट फायर आप कर सकते थे, और इनके जाम होने के चांसेस भी कम थे। कर्नल राय बताते हैं, युद्ध के बीचों बीच 4-5 के बैच में जवानों को नई राइफल्स चलाने की ट्रेनिंग दी गई और इन राइफल्स ने पासा पलटा भी। इस पूरी कवायद की बदौलत जुलाई महीने की शुरुआत तक भारत काफी बढ़त बनाने में सफल रहा। हालांकि एक पीक थी जो सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो रही थी। बटालिक सेक्टर में खालूबर नाम की एक चोटी थी जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई थी। खालूबर को कब्जा करना कारगिल ऑपरेशन के सबसे निर्णायक ऑब्जेक्टिव्स में से एक था, क्योंकि इसके ठीक पीछे पाकिस्तान की 5 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री ने रसद की सप्लाई बनाई हुई थी। खालूबर की खास बात यह थी कि यहाँ से पाकिस्तान के सैनिक भारतीय फौज की पूरी गतिविधि पर नज़र रखते थे, और इस पर चढ़ने के लिए 80 डिग्री में एक सीधी चढ़ाई आपको चढ़नी पड़ती थी, और कोई ऑप्शन नहीं था, वो भी बर्फ के बीच माइनस डिग्री तापमान में। जून महीने में इस चोटी पर कब्जे की 2 और कोशिशें हो चुकी थी, लेकिन ऊपर से लगातार हो रही फायरिंग के बीच इस काम को अंजाम देना लगभग नामुमकिन साबित हो रहा था। जुलाई महीने के शुरुआत में 1/11 गोरखा को ये जिम्मेदारी दी गई। 3 कंपनियों को इस काम के लिए आगे भेजा गया, ब्रावो, चाली और जो CO की कंपनी थी, CO कंपनी, ब्रावो कंपनी सबसे आगे थी। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे इसी का हिस्सा थे। वही कर्नल अजय तोमर को चाली कंपनी की कमान सौंपी गई। लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज को याद करते हुए बताते हैं, खालूबर के नुकीले चट्टानों पर चढ़ने के लिए मनोज चारों हाथ पांव के बल चल रहा था। वो आगे लिखते हैं,
2 जुलाई को ऑपरेशन शुरू हुआ। इस रोज़ मेरा जन्मदिन भी होता था। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो आदमी अपने जन्मदिन के रोज़ मरता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। मुझे लग रहा था खालोबर को जीतना नामुमकिन है, लेकिन कम से कम मुझे स्वर्ग तो नसीब होगा ही। खालोबर की चढ़ाई में 6 घंटे के सफ़र के बाद ये लोग स्टॉप नाम के एक पॉइंट तक पहुँचे। इसके आगे चलते हुए खालोबर के बेस तक पहुँचना था। आगे चढ़ाई और कठिन थी, इसलिए इन लोगों ने अपने हथियारों के अलावा बाकी एक्स्ट्रा सामान वहीं छोड़ दिया। आगे के सफर में जोरों की बर्फ पड़ने लगी। इसका एक फायदा हुआ कि रात में दुश्मन द्वारा देखे जाने का खतरा कुछ कम हुआ, लेकिन साथ ही रेडियो सेट ने काम करना बंद कर दिया। कर्नल तोमर याद करते हुए बताते हैं, जनक बहादुर हमारा कंपनी हवलदार मेजर था, उसे चोट लगी थी इसलिए मैंने उसे बेस कैंप में रुकने को कहा, लेकिन वह हमारे साथ आया। जब रेडियो सेट खराब हुआ, जनक बहादुर दौड़कर एक से दूसरे प्लटून तक जाता था और निर्देश पहुंचाता था। कर्नल यादव कुछ और किस्से भी बताते हैं, मसलन चढ़ाई के दौरान उनका एक जवान घायल हो गया, उसके पास फर्स्ट एड नहीं था। ये देखकर 10-12 फीट दूर खड़े एक साथी ने उसे अपना किट दे दिया। ये देखकर कर्नल तोमर ने बाद में उससे पूछा, क्या होता अगर तुम खुद जख्मी हो जाते? उस जवान ने जवाब दिया, तब किसी और ने मुझे अपना फर्स्ट एड दे दिया होता। यूं ही एक दूसरे का साथ देते गोरखा राइफल्स के जवान 14 घंटे तक चढ़ाई करते रहे। 80 डिग्री और तापमान शून्य से 29 डिग्री कम, -29 डिग्री। चढ़ाई की शुरुआत में तीनों कंपनियों को मिलाकर कुल 100 लोग थे, लेकिन आखिरी के 500 मीटर पहुंचते सिर्फ 70 बचे। कई गोली से घायल हुए तो कई वीरगति को प्राप्त हो गए। इस मिशन को कमांड कर रहे कर्नल ललित राय बताते हैं, साथियों के लहूलुहान शरीरों के सपने आज भी कई बार रातों को जगा देते हैं। भयानक हालात के बावजूद कर्नल राय और उनके साथी आगे बढ़ते रहे। खालोबर पीक पर एक मशीन गन तैनात थी, साथ ही उसकी बाईं तरफ 4 बंकर्स थे जिनसे लगातार गोलीबारी हो रही थी। कर्नल राय ने लेफ्टिनेंट मनोज के साथ एक टीम को बंकरों की तरफ भेजा और खुद सीधी चोटी का उन्होंने रुख किया। कैप्टन मनोज ने गजब का साहस दिखाते हुए 4 बंकरों को हथगोलों से नष्ट कर दिया। इस दौरान उनके पैर में गोली लगी, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ते रहे। कुछ ही देर में 1/11 गोरखा के जवानों ने खालोबर पर कब्जा कर लिया, लेकिन इसी दौरान लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे वीरगति को प्राप्त हो गए। उनके बहुत से साथी घायल हुए। कर्नल राय लिखते हैं, चोटी पर कब्जा करने तक हम सिर्फ 8 लोग सही सलामत थे। पाकिस्तानी सैनिक भाग चुके थे, लेकिन चूंकि ये उनकी सप्लाई लाइन थी इसलिए हमें पता था वो एक बार फिर हमला करेंगे। पाक फौजियों ने ऐसा ही किया भी। कर्नल राय और उनके 8 साथी उनका मुकाबला करते रहे। कर्नल राय बताते हैं, मेरे राइफल में 2 गोलियां बची थी, मैंने सोचा एक से दुश्मन को मारूंगा और दूसरी मैंने अपने लिए बचा के रख ली। पीक पर मौजूद सभी जवान तनाव में थे, ऐसे में एक दिलचस्प वाक्य हुआ। कर्नल राय बताते हैं, पाकिस्तानी पंजाबी भाषा में गाली देते हुए आ रहे थे। मैंने उन्हें जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मेरी पंजाबी उतनी अच्छी थी नहीं। ऐसे में मैंने अपने साथियों से कहा, दुश्मन तुम्हारे कमांडिंग अफसर को गाली दे रहा, सीओ साहब को गाली पड़ रही है और तुम चुपचाप बैठे हो। वहां मौजूद सभी लोग गोरखा फौजी थे, इनमें से एक भी गाली देने में माहिर नहीं था, इसलिए कुछ सेकंड तक वो सब एक दूसरे को देखते रहे। फिर उनमें से एक बोला, साहब ने हुक्म दिया है तो गाली तो देना ही पड़ेगा। सब ने आपस में तय कर ज्ञान बहादुर नाम के एक जवान को इसकी जिम्मेदारी दी। ज्ञान बहादुर खड़े हुए और एकदम सख्त लहजे में चिल्लाकर बोले, ओ पाकिस्तानी, तुम इधर आया तो तुम्हारी मुंडी उखाड़ देगा। ये सुनकर कर्नल राय ने उनसे कहा कि पाकिस्तानी सुनकर हंसते हंसते मर जाएंगे कि ज्ञान बहादुर को गाली देना तक नहीं आता। अचानक इस तनाव भरे माहौल में सबकी हंसी छूटी। ज्ञान बहादुर आगे बोलते हैं, अब आ तो खुकरी निकालेगा तेसले ही ठीक पाछू, यानी अब तो खुकरी निकाल कर ही उसको ठीक करूंगा जो बोल रहा उधर से। खालोबर पीक पर जब ये वाकया हो रहा था, पाकिस्तान फौज के 40 जवानों की टुकड़ी एक और हमले की आस में इस ओर बढ़ रही थी। कोई चारा न देख कर्नल राय को उस वक्त एक आइडिया सूझा। उन्होंने अपने रेडियो से दूर पहाड़ी पर मौजूद एक दूसरे फौजी अफसर से कहा, इंडन आर्मी के, मुझसे रेफरेंस लेकर पीक की तरफ गोलीबारी करो, शेलिंग मंगवाई। कुछ ही मिनटों में बोफोर्स से पीक की तरफ गोलाबारी होने लगी। कर्नल राय और उनके साथी चट्टानों की दरारों में छुप गए और बोफोर्स तोपों ने पाकिस्तानी अटैक को एक बार फिर पीछे खदेड़ दिया। वैसे हम आपको बता दें, बहुत बड़ा रिस्क होता है, बोफोर्स का गोला एक्यूरेट तो गिरता है लेकिन वो बहुत बड़ा गोला होता है, तो अगर आप अपने थोड़े भी पास बता रहे हैं, आप इशारा कर रहे हैं कि उस तरफ से हमला आ रहा है, अगर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है तो आपकी लाइफ भी रिस्क में है। कर्नल राय ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था इतनी छोटी पीक पर शेलिंग मंगवा के, फायर मंगवा के, वो भी बोफोर्स का। कुछ ही देर में भारतीय फौज की कुछ और टुकड़ियां खालोबर तक पहुंच गईं और पीक पर पूरी तरह भारत का कब्जा हुआ। इस पूरी मुठभेड़ के दौरान पाकिस्तान का एक सिपाही युद्धबंदी बना लिया गया था। कर्नल राय बताते हैं, उस फौजी का नाम नायक इनायत अली था। युद्धबंदी बनने के बाद उसने सिर्फ इतना कहा कि वो किसी गोरखा को देखना चाहता है।
कर्नल राय ने अपने एक जवान को उसके सामने पेश किया और उसे अपनी खोखरी निकाल कर दिखाई। बाद में इनायत अली को दिल्ली भेज दिया गया। खालवर पीक पर कब्जे के लिए किए गए ऑपरेशन के लिए 1/11 गोरखा को यूनिट सेटेशन और द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव का टाइटल मिला। जैसे पहले बताया, अपने अदम्य साहस के लिए लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को परमवीर चक्र और कर्नल ललित राय को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। विजय दिवस के मौके पर वीर गति को प्राप्त हुए सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए आज के एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद। इस एपिसोड को हमारे साथी कमल ने लिखा और जतिन ने रिकॉर्ड किया था।